नमस्कार, मैं अवृतिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। देवरिया मरोना में फूड पॉइजन से बच्चे बीमार, डीएम दिव्या मित्तल ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। राजकीय आश्रम प्रदिति विद्यालय मरोना में कुछ छात्रों के फूड पॉइजन से बीमार होने का मामला संज्ञान में आया है। इनमें से 25 बच्चों का इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने भर्ती हुए बच्चों का हालचाल लिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को भोजन का सैंपल लेने के साथ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मौके पर देवरिया एसपी संकल्प शर्मा भी मौजूद रहे। रवि प्रकाश, ऑल इंडिया न्यूज 24x7, देवरिया। ठीक हो बच्चा लोग? घबरा तो नहीं रहे ना? आप लोगों ने जो खाना खाया संभवतः उसमें कोई उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन डरना नहीं, ठीक है। हम लोग सब दवाई देखे हैं, अस्पताल में भी होके आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके सारे दोस्त लोग भी ठीक है, सबसे बात करके आए हैं, ठीक है ना। मैं आपके जिलाधिकारी हूँ, ठीक है। इनको तो आप जानती होंगे, आपके कप्तान साहब है। यस मैम। आराम से गिर मत जाना, तुम सीढ़ियों पे से आराम से अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैम जाते जाते खाने पे भी ध्यान दिया। नहीं, हम लोगों को छोला बना था, उसके साथ जो चटनी यूज किया गया है, चटनी छोला और दाल बच्चे मिस करे, चटनी में यस मैम, चटनी दाल और हमें खाने की